हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है जिसको कि अपन देख रहे हैं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म का जो एंड है वो अब हो रहा है, यानी फर्म जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। सबसे बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ, फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी। अब पार्टनर्स के आपस के रिलेशन खत्म हो जाएंगे, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं वो सब चीजें आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा फॉर्मेट्स ऑफ अकाउंट्स, सही है कि डिफरेंट अकाउंट यहाँ बनते हैं। आप देखेंगे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, और सबसे लास्ट में इस बार बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इस बार कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। ये तीन अकाउंट बनेंगे। लोग भी क्या करते हैं कि फॉर्मेट्स वगैरह रख लेते हैं, और मैं आपको कहूंगा नहीं, इनको थोड़े से नेचर से आप पहचानिए, सही है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे। बहुत आसानी से ये चीजें जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं, और इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि अकाउंट क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, वो एक एक चीज डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट रटने नहीं है, मैं आपको बार बार बोलूंगा रटना आसान है, समझने का काम है। वो टाइम जरूर लेता है लेकिन वो लॉन्ग लाइफ रहता है, सही है। तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट पूरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक मिसिंग बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन आपका आएगा। बोर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है, तो पहले आप बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे बैलेंसिंग फिगर में सन्ड्री एसेट्स निकलता है, और देन फिर आपका ये क्वेश्चन चालू होता है, इसमें अपन इसको देखेंगे। इसके अलावा कई बार मल्टी ईयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है ना। उसमें क्या होता है कि फर्म जो डिसॉल्व हुई है वो इस तारीख को ही है, और आपको उसके दो साल पहले की कैपिटल यहाँ की दे रखी है, तो आपको पहले दो सालों में कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिर बैलेंस शीट मिसिंग है तो एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर में सन्ड्री एसेट्स निकलेंगे, और देन आपका फिर ये प्रोसेस चालू होगा। कौन सा? ये वाला रिलेशन पार्टनर कैपिटल कैश अकाउंट। यानी काफी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बहुत टेम्परामेंट की जरूरत होती है। कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है उसका भी एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जिसमें दो सालों के कैपिटल अकाउंट हम बनाते हुए आएंगे, देन बैलेंस शीट, देन रिलेशन, देन पार्टनर कैपिटल, देन कैश अकाउंट। मतलब एक क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर किस तरीके से मूव होगा, सही है। इसके अलावा इस चैप्टर में आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। इसके लिए मैं एक सिस्टम बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, उससे मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा। अदरवाइज इस चैप्टर की एंट्रीज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को हम इजिली कर सकते हैं इन्हीं अकाउंट के फॉर्मेट के थ्रू, तो वो चीज भी जो है अपन यहां देखेंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर में हाउ टू यूज कैपिटल एंड करंट अकाउंट साइमल्टेनियसली, एक साथ कैपिटल और करंट अकाउंट का यूज हम कैसे करते हैं वो चीज भी अपन यहाँ देखेंगे। मेन बात जो आपकी रहेगी वो रहेगी ये इनके फॉर्मेट। इनके फॉर्मेट जब आप अच्छे से समझोगे, इनके दो तीन में आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। जब आप इनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखोगे तो आपको फॉर्मेट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। तो ये सब टॉपिक जो है इस चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं। हर चैप्टर का जो डिफरेंट पीडीएफ फाइल है मैंने बनाए हैं, उसमें नोट्स दिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं। आप एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप देखें, नेक्स्ट वीडियो से अपन इनका क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके।